को भेजा, भगवान को उठा करके जैसे ही उड़े, भगवान ने थोड़ा सा ऐसा झटका दिया, बागासुर को भूख मिल गई। सक्षासुर को भेजा, उनकी भी भूख कर दिए भगवान ने। भगवान को मारने के लिए कई राक्षसों को भेजे हैं कंस ने, सभी राक्षसों को भगवान ने मुक्ति प्रदान कर दिया। और श्रीधर नाम के एक तांत्रिक ब्राह्मण को भेजा, जो तंत्र मंत्र करता था और बच्चों को मारता था। ऐसे तंत्र विद्या वाले ब्राह्मण को कंस आज भेजे हैं कि जाओ पंडित जी, जा जाके जो बच्चा फल रहा है गोकुल वृंदावन ब्रज मंडल में, उसे नष्ट कर दो। भगवान ने उनका भी काम तमाम कर दिया। ये मत सोचना ना कौन से हथियार से भगवान मारे हैं। मैं युद्ध में जैसे बाजा बजता है रण क्षेत्र में, धमक धम या धमक धम मा धमक धैया धमक धम धमक धैया, ऐसे वाले काम युद्ध वाले काम नहीं हुए, ठीक है ना। राक्षस आवत जावत है, भगवान सब ला निपटावत जावत है। तीन चार राक्षस मर गए, देख दिन लगने लगे। अरे जो कथा है उसको अपने को ध्यान देना है। शक्षासुर का भी अंत कर दिए भगवान। अब कथा कहती है, सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन जिस दिन से भगवान को गोपियों ने देखा उस दिन से भगवान को, उस बालक को गोपियां क्या समझने लगी, भगवान समझने लगी। जिस दिन से देखा है, जब से देखा है माके बिहारी तुझे, जब से देखा है बांके बिहारी तुझे, लुट गया 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 लुट गया। जब से गोपियों ने देखा है अपना तन मन धन सब कुछ न्योछावर कर दिए हैं जी, अब गोपियों की प्रेम लीला को देखिए, उस बालक से कैसे कितना प्रेम करने लगी है गोपियां। सुबह होते ही गोपियां भगवान के दर्शन को चली जाती हैं। देखो जब भी मंदिर जाओ, जब भी दीवाला जाओ, जब भी भगवान की कथा श्रवण के लिए जाओ, हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं, आंख है, हाथ है, पैर है, जिभ्या है, होंठ है, रसना है, ये जितने अंग हैं हमारे, वे सभी अंग जो हैं वो उत्साहित होने चाहिए, उत्साह से भरा हुआ। भागवत कथा सुनने जाना है जी, फटाफट तैयार हो जाओ, सज जाओ, भग जाओ, जल्दी 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 फटाफट आकर के बैठ जाओ और पूरा कथा को श्रवण करो, देखते रहो, ठाकुर जी को, संगीत वाले को देखते रहो, महाराज जी को देखते रहो, इधर भगवान ठाकुर जी को देखो, देख रहे ठाकुर जी, देख रहे हैं कितना सुंदर ध्यान दे रहे हैं, आप सबको देख रहे हैं, नजर से देखो, कान से श्रवण करो, हाथ से ताली बजाओ, चलते हुए आओ, जिभ्या से भगवान का जो प्रसाद है उसको प्राप्त करो। ऐसे भाव गोपियों का है जी। आज गोपियां कहती है एक अंग दूसरे अंग से कह रहे हैं, एक अंग दूसरे अंग से कह रहे हैं। सभी गोपियां जा रही हैं नंद महल की ओर, तो हाथ कहता है पैर से, हाथ कहता है किसे, पैर से कहता है, क्या कहता है हाथ, भागो 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 भागो, तुम्हारा काम ही है भागना, भगवान के चरण को छूने का सौभाग्य तो मुझको मिलेगा। हाथ कहता है पैर से, तुम भागो भागो भागो, तुम भाग ही नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते हो। हाथ कहता है मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने हाथ से भगवान का चरण को छूऊंगा। आंख कहता है हाथ से, आंख हाथ से कहता है तुम छूते रहना भगवान के चरण को, भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन तो मैं करूंगा, भगवान को तो मैं देखूंगा, है नहीं? और होंठ कहता है आंख से, होंठ कहता है आंख से तुम देखते रहना भगवान को, भगवान के चरण को चुमने का सौभाग्य तो मुझको मिलेगा, होंठ कह रहा है।
भगवान के चरण को चुमने का सौभाग्य तो मुझको मिलेगा। तो जिभ्या जो है वो कहने लगी, कोई दौड़ते रहना, कोई छूते रहना, कोई देखते रहना, कोई चुमते रहना। जिभ्या कह रही है भगवान के मुखारविंद का, भगवान के चरणविंद का, चरणामृत का रसा स्वादन तो मुझको मिलेगा, है ना, मुझे मिलेगा। एक एक अंग जो है उत्साहित है, भगवान का दर्शन करने जाओ तो ऐसे ही जाना चाहिए। हरे रोम 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 खिल जाना चाहिए, रोम रोम जो है भगवान कृष्णमय होने चाहिए। वही श्रोता जो है वो भक्त श्रोता है। श्रोता तीन प्रकार का होता है जी, एक होता है श्रोता जो कथा को बढ़िया मन लगा करके सुनते रहता है, दूसरा होता है श्रोता। दूसरा कौन होता है? श्रोता, बीच बीच में बात काट काट करके सुनता है। महाराज कथा बता रहे हैं और इन कथाओं को सुन सुन करके बाजू वाले से कहते रहता है, महाराज जी ये कथा तो नहीं बताया, भूल गया। ठीक है ना, वो काट काट करके बात करते रहे ना, बाजू वाले को बताते रहे। देखो कथाओं में क्या होता है, महाराज इधर कथा बताते रहते हैं और आप लोगों का ना मिनी सत्संग होते रहते हैं, मिनी सत्संग, छोटा सा सत्संग। कथा को सुनते सुने रहते हो, भागवत की कथा को, शिव महापुराण की, देवी भागवत कथा पहले से सुने रहते हो, तो मिनी सत्संग में कहते रहते हो। अब देखना ना महाराज जी ये बोलने वाले वाले, अब देखना महाराज जी ये लीला बताने वाले। अरे भाई तुम उनको बता रहे हो घर में बैठ बैठ कथा क्यों नहीं कहते, उनके घर में जाकर कथा बताओ। यहाँ आकर के कथा बताना नहीं है, कथा को सुनना है। चुप रहे सभी अंग जो है भगवान की ओर देख रहे हैं, एक अंग दूसरे अंग से कहते हैं और जाकर के ठाकुर जी का दर्शन करते रहते हैं। देखो दर्शन और देखने में अंतर है जी, भगवान के रूप को देखती है हमारी आंखें, लेकिन दर्शन कौन करता है? हृदय करता है। दर्शन हृदय करता है, देखती आंख है, दर्शन हृदय करता है। भगवान का दर्शन करने के बाद भगवान की छवि हमारे हृदय में बस जाती है, वही दर्शन है जी। प्रेम चलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। दर्शन करने जाती है, मंगला दर्शन करने जाती है और गोपियां कहती हैं, मेरे गोविंद प्यारे, बच्चे को लाड़ लगाने के लिए पहुंच रही है गोपियां, मेरे गोविंद प्यारे तेरे मैं लाड़। देखो आज का समय ये कह रहा है, हम लोग डेढ़ घंटा जो है विलंब हो चुके हैं, ठीक है। कथा ये कह रही है सीधा महाराज से ले आओ, महाराज गोवर्धन पर्वत को उठवा दो, राज मंडल का दृश्य दिखाओ, रुक्मणी विवाह करवाओ, लाडू पक्षी को बटवाओ जल्दी से 6:30 तक और सभी श्रोताओं को घर भेज दो महाराज, समय कह रहा है। लेकिन थोड़ा सा हम भी कहते हैं कथा जो है थोड़ा 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 सुन लो, बाल्यावस्था की कथा जब तक समझ में नहीं आएगी भगवान बड़े कैसे होंगे जी, है? जो भाव है कथा तो आप लोगों ने बहुत सुना है, 14-15 भागवत हो चुका है नहीं? हम लोग भी आए हैं तो हमारी ओर से भी कथा का श्रवण कर लीजिए, जानते तो सब चीज हो, ज्ञानी हो, महाज्ञानी हो, परम दानी भी हो, है ना। लेकिन कथा का श्रवण करना है तो आज गोपियां कहती है लाल लड़ाने के लिए पहुंचती है,
मेरे गोविंद प्यारे तेरे मैं लड़ाना मतलब प्यार करना, बच्चे को पुचकारना, बच्चे को हृदय से लगाना, उछाल उछाल करके उसके होठों को सीने से लगा करके चूमना, ये लाड़ है प्रेम। लोरी गाएंगे भी देखना मैं कितना सुंदर गोपियां, बाल लीला है भगवान ठाकुर जी का। अरे जिनके बच्चे हैं उन लोग याद करो उन दिनों को जब आपका बच्चा छोटा सा था और आपकी गोद में नहीं सो रहा था तो कैसे उसे लोरी गा गा करके लाड़ लड़ा लड़ा करके उनको प्रेम करती थी। याद करो कभी जो बीत चुका है। मेरे गोविंद प्यारे तेरे मैं लाड़ लड़ा, मेरे साहेब प्यारे तेरे मैं लाड़ लड़ा, मैं बलिहारी जाऊं, मेरे साहेब प्यारे तेरे है, स्नान कराती है और तिलक करती है, पीत वस्त्र धारण करवाती है गोपियां यशोदा जी के संग संग रह करके। मां यशोदा लाड़ लड़ा रही है अपने पुत्र को, गोपियां भी वहां पर उपस्थित है और भोग लगाती है, आरती उतारती है, उस बालक के टीका लगाती है, तिलक करती है, आरती उतारती है, तब जाकर के शाम होता है। गोपियों का 24 घंटा जो है नंद महल में ही गुजरने लगा जी, छोटे से बालक के साथ कृष्ण जी के साथ। रात का समय आता है, गोपियां कहती हैं सो जा तुझे मैया सुला है, तुझे लोरी सुनाती है, सो जा तुझे मैया सुलाती है, तुझे लोरी सुना। यशोदा माँ के सुलाने का तरीका है, सो जा लोरी गा गा करके। लेकिन आज की माँ जो है उस लोरी को भूल गए हैं जी, कटु सत्य है, बुरा नहीं मानना, ये कटु सत्य है। माँ को एक लोरी भी याद नहीं है। आज की माँ बच्चा जब नहीं सोता है तो मोबाइल के रिंगटोन को चालू करके उसके कान के पास रख देती है ताकि बच्चा जो है उस गीत को सुन करके सो जाए। लोरी किसी को याद आया? पहले लोरी गाया जाता था, सो जा मन वाई बिंदिया आई निया आया, सोचा मुनवा आई निया आया, मुनवा बाबा बेटा कह करके अपने गोदी को ऐसा हिलाती थी, सिर को ठोकती रहती थी, बच्चा जो है सो जाता था जी। उसी प्रकार से गोपियां आज लोरी गाई, बच्चा जो है सो गया। अब सुबह जो है वही गोपियां 3 बजे 4 बजे जैसे ही सुबह हुई सभी गोपियां फिर से आ गई और कहती हैं जागो बंसी वाले
वाले जागो मुरली वाले जागो मन सिवा।